दुनिया में अनेकों जगहें हैं जिन्हें हॉन्टेड यानी भूतहा कहा जाता है। अक्सर किसी जगह के हॉन्टेड हो जाने के पीछे कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होती है जिसमें चाहे अनचाहे किसी की मौत हुई हो। हमारे आज के वीडियो में आप एक बार फिर ऐसी जगह के बारे में जानने वाले हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां एक दो नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। इन मौतों का कारण था जापान का एक पुराना रिचुअल हितोबाशिरा। एक व्यक्ति जापान की ट्रेन में निशिरुबेशिबे की तरफ ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन जैसे ही होकाइडो स्टेशन से पहले पड़ने वाली जोमोन टनल के पास पहुंची, उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मानो कोई टनल के पास चिल्ला रहा हो। जैसे जैसे ट्रेन टनल के अंदर जाने लगी, वो आवाज और तेज असहनीय होने लगी। उस व्यक्ति ने आवाज से परेशान होकर अपने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी उसे ऐसा आभास हुआ कि कोई चिल्लाता हुआ उसके कैबिन के पास से अभी गुजरा है। उसने घबरा कर अपने कैबिन का दरवाजा खोला और फिर उसने जो देखा वो दृश्य बेहद डरावना और अजीब था। वह व्यक्ति देख पा रहा था कि ट्रेन की लॉबी से गुजरती हुई एक काली धूमिल सी परछाई को। उसका ना तो कोई चेहरा था और ना ही कोई शरीर, लेकिन फिर भी ये साफ दिख रहा था कि वहाँ कोई था जो इंसानी आकृति जैसा था, लेकिन बेशक कोई इंसान नहीं था। वो व्यक्ति उस काली परछाई के आर पार देख पा रहा था और ये दृश्य देखकर उसके पैर मानो वहीं जम से गए थे। वो जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो साया कुछ देर एक जगह पर स्थिर हुआ और फिर कहीं गायब सा हो गया, मानो वो कभी वहाँ था ही नहीं। जहाँ वो साया कुछ देर के लिए रुका था, अब वहाँ का फर्श गीला था और उस पर किसी के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इतने में लॉबी की दूसरी ओर से ट्रेन कंडक्टर आता दिखा। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने वो चीज़ देखी। इतने में ट्रेन उस टनल से बाहर आ चुकी थी और जब कंडक्टर ने फर्श की ओर देखा तो फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा था। ये वाक्य था जापान की जोमोन टनल का, जो कि कटामी में होकाइडो लाइन पर इकुतोहारा से निशिरुबेशिबे के बीच में पड़ती है। लगभग 500 मीटर की इस टनल को सन 1914 में बनाया गया था और इस टनल को दुनिया के सबसे क्रूर घटना का साक्षी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस टनल को बनाना शुरू किया गया था तो इस टनल में काम करने के लिए ताको मजदूरों को यहाँ बुलाया गया था। ताको लेबर एक तरह के बंधवा मजदूर थे जो काफी समय से होकाइडो आइलैंड पर रहा करते थे। इन लोगों को जापान में सदियों से ऐसे हैवी वर्क के लिए बुलाया जाता था, जैसे कि सड़क निर्माण, बांध निर्माण या रेलवे की लाइन बिछाना। ऐसे हर मुश्किल काम के लिए ताको मजदूरों का सहारा लिया जाता था। अब इन ताको वर्कर से यहाँ काम कराना शुरू किया गया, लेकिन बदले में इन्हें रहने, खाने और मेडिकल की कोई खास सुविधा नहीं दी जाती थी। इन लोगों से दिन के 14-14 घंटे काम कराया जाता था और बदले में बहुत कम खाना दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले बहुत से मजदूर कुपोषित थे और आए दिन बीमार रहा करते थे। लेकिन बीमार हालत में भी उन्हें डेली रूटीन को फॉलो करते हुए टनल की खुदाई का काम करना पड़ता था। ऐसी खराब हालत से बचने के लिए यदि कोई मजदूर यहाँ से भागने की असफल कोशिश करता था तो उसे पकड़कर होकाइडो की सर्द रातों में बिना कपड़ों के किसी पेड़ के साथ बांध दिया जाता था, जिससे अधिकतर लोगों की ठंड से ही मौत हो जाती थी। लेकिन जो बच जाते थे उन्हें फिर से टनल में काम करने के लिए लगा दिया जाता था। इस तरह की खराब हालत में कई मजदूर आए दिन मरने लगे। मरने वालों की लाशों को ठिकाने लगा दिया जाता था, लेकिन कहाँ ये कोई नहीं जानता था। 2 साल में इस टनल को बनाकर पूरा कर दिया गया, लेकिन जब ये मजदूर टनल का काम खत्म करके अपने गांव पहुंचे तो उनमें से 500 से भी ज्यादा लोग घर वापस नहीं आए थे। गांव वालों ने मिसिंग लोगों के बारे में जानने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वापस आए किसी भी मजदूर ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उन लोगों के साथ वहाँ क्या हुआ था। आखिर इतने सारे मजदूर वापस क्यों नहीं आए, वो सब कहाँ गए? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब इन मजदूरों के होकाइडो से पलायन के साथ ही गायब हो गए। लेकिन इस बीच एक चीज जो जोमोन टनल पर मुसलसल होती रही वो ये थी कि यहाँ गुजरने वाले कई ट्रेन ड्राइवर्स और यात्रियों के साथ अनेकों भूतहाएं घटना होती रही। कभी किसी को एक सरकटा इंसान रेल लाइन के पास खड़ा नजर आता तो कभी टनल में घुसते ही किसी के जोरों से रोने की आवाज पूरी टनल में गूंजने लगती। इतना ही नहीं, कई लोगों ने यह दावा किया कि टनल में आते ही उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य उनका गला दबा रहा हो। इन घटनाओं का कारण कोई भी समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर आया 1968 का साल, जब जापान के इस क्षेत्र में 8.3 की तेजी से एक भूकंप आया।
जिसके कारण जोमोन टनल को काफ़ी क्षति पहुंची। इस टनल की दीवारें कई जगहों से चटक गई और इन दरारों ने उस राज को खोल दिया जिसे वो टाको वर्कर्स 54 सालों से अपने सीने में दफन किए हुए थे। क्योंकि उस भूकंप से टनल की दीवारों में आई दरारों से झांक रही थी उन मजदूरों की खोपड़ियां और हड्डियां जो कभी यहां काम किया करते थे। वीडियो की शुरुआत में हमने एक रिचुअल का जिक्र किया था, हितोबाशीरा। हितोबाशीरा का अर्थ होता है ह्यूमन पिलर्स। प्राचीन जापान और चाइना में ऐसी मान्यता थी कि जब भी किसी बड़ी निर्माण कार्य को शुरू किया जाता था तो उसके लिए इंसानों की बलि दी जाती थी और फिर उनकी बॉडी को उसी निर्माण स्थल में चुनवा या दफना दिया जाता था। ऐसा करने के पीछे तब के लोगों का ये विश्वास था कि इस तरह की बलि देने से निर्माण कार्य निर्बाध पूरा होता है और यदि उस जगह पर कोई आत्मा, भूत या प्रेत हो तो वो उन लोगों की बलि को अपना भोग समझकर स्वीकार कर लेते हैं, जिससे उस जगह पर रहने वाली काली शक्ति हमेशा के लिए वो स्थान छोड़ देती है। टनल की दरारों में से मिली इंसानी हड्डियों ने पूरे जापान में खलबली मचा दी और फिर टनल में से सारी इंसानी हड्डियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन टनल को पूरी तरह से तोड़ने के फैसले को बाद में रद्द कर दिया गया और फैसले को रद्द करने के पहले टनल के कुछ ही भाग को खोदा गया था। इस ऑपरेशन से टनल की दीवारों में एक दो नहीं बल्कि लगभग 100 इंसानों के कंकालों को निकाला गया और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस पूरी टनल में 500 से भी ज़्यादा लोगों के शरीर को चुनवा दिया गया था। दरअसल उन टाको वर्कर्स की जब यहाँ मौत हो जाती थी तो उन्हें इसी टनल की दीवारों में चुनवा दिया जाता था, जिससे यह साफ था कि 1920 के दशक में भी जापान के उस पुराने और क्रूर रिचुअल को यहाँ परफॉर्म किया गया था जो कि एक बेहद क्रूर और अमानवीय था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस जगह पर सालों से होती आ रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे उन मजदूरों की आत्माएं हैं जिन्हें बड़ी निर्दयता से यहां दीवारों में चुनवा दिया गया था और जिन्हें कभी न्याय नहीं मिल सका। जापान की गवर्नमेंट ने उन मजदूरों की याद में एक स्मारक बनवाया है जिन्हें हैवानत की निशानी इस टनल ने निगल लिया। इस टनल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।